राजस्थान पुलिस दिवस प्रदेश भर में सादगी से मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान पुलिस दिवस पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और इस मौके पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस कर्मियों ने शपथ ली और साथ ही शहर के पुलिस शहीद स्मारक पर एडीसीपी सुनीता मीणा समेत महिला पुलिस कर्मियों ने पुष्प भी अर्पित किए। इस मौके पर एडीसीपी सुनीता मीणा ने निर्भया स्क्वाड के गठन के बारे में जानकारी देते हुए महिला पुलिस कर्मियों को समाज की सुरक्षा की भी शपथ दिलाई। जाया करते हैं पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं राजस्थान पुलिस ने भी हमेशा से अपना एक इतिहास बनाया है और आगे भी एक इतिहास बनाने जा रही है। जनता भी एक राजस्थान की एक इतिहास बनाएगी और इस कोरोना को जड़ से खत्म कर देगी। इसी इतिहास को बनाने के लिए आज निर्भया स्क्वाड एक साथ एकत्रित हुई है। यहाँ पर शहीद जो स्मारक है, पुलिस मेमोरियल है त्रिमूर्ति सर्किल पर, हम लोग आज राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एक साथ संकल्प करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने संकल्प किया है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ पुनः समर्पित करते हैं। हर सूरत में हमारी सांस की, अंतिम सांस की भी एक एक जो सांस है वो जनता के काम आएगी, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, सदैव तैयार रहेंगे। निर्भया स्क्वाड के बारे में आप सभी जानते हैं। निर्भया स्क्वाड की ये 200 महिलाएं हैं जो लगातार पूरे जयपुर के अंदर हर बीट में जयपुर में हर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इनका जन्म केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हुआ। खबर सीकर के फतेहपुर।